गाइस, आज बात करेंगे चॉपिंग बोर्ड की। सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं कि चॉपिंग बोर्ड होता क्या है। जिनको पता है वेल एंड गुड, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। गाइस, चॉपिंग बोर्ड बेसिकली किचन में यूज किया जाता है। चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हम अपनी वेजिटेबल्स कट करते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं, या कोई चिकन का आइटम है वो कट करते हैं। मल्टीपल ऑफ यूजेस हैं चॉपिंग बोर्ड के। तो गाइस, कई कलर्स में होते हैं ये, कई कलर्स भी नहीं बोलूंगा गाइस। बेसिकली होटल्स में 6 कलर्स के चॉपिंग बोर्ड यूज किए जाते हैं, और इन डिफरेंट कलर्स के चॉपिंग बोर्ड्स होने का रीजन होता है। और उसका रीजन गाइस ये है कि वैसे तो घर के किचन में हम लोग एक टाइम पर एक या दो आइटम ही बनाते हैं। ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि हम चिकन भी बना रहे हैं और वेजिटेबल्स भी बना रहे हैं साथ में। बट गाइस, होटल्स में होता है कि कई बार हमें अभी हम फ्रूट्स का कोई सैलेड बना रहे हैं, उसी या उसके हम अभी कोई वेजिटेबल्स का कोई डिश बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं चॉपिंग बोर्ड पे, और तुरंत थोड़ी देर बाद ही हमको कोई चिकन का आइटम बनाना है। तो वैसे अगर एक ही चॉपिंग बोर्ड पर हम वेजिटेबल्स भी कट कर रहे हैं, चिकन भी कट कर रहे हैं, तो गाइस क्रॉस कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। और क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के चॉपिंग बोर्ड यूज किए जाते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रीन चॉपिंग बोर्ड की। जो ग्रीन चॉपिंग बोर्ड है गाइस, वो यूज किया जाता है वेजिटेबल्स की कटिंग के लिए एंड फ्रूट्स की कटिंग के लिए। अगर आपको सैलेड बनाना है, अगर उसके लिए अगर आप लेटस काटना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रीन चॉपिंग बोर्ड यूज करना चाहिए। और उसके बाद गाइज, मैं अगर बात करूँ व्हाइट चॉपिंग बोर्ड की, तो गाइज जो व्हाइट चॉपिंग बोर्ड है उसका यूज किया जाता है बेकरी आइटम्स के लिए, बेकरी आइटम्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आपको ब्रेड की स्लाइस निकालनी है, या फिर आपको बटर कट करना है, या कोई चीज ग्रेट करनी है, चीज की स्लाइस निकालनी है, तो ये चीजें आप व्हाइट चॉपिंग बोर्ड पर करते हैं। उसके बाद गाइज, मैं अगर बात करूँ ब्राउन चॉपिंग बोर्ड की, तो ब्राउन चॉपिंग बोर्ड गाइज यूज किया जाता है रूट वेजिटेबल्स के लिए। रूट वेजिटेबल्स गाइज, जैसे कि आपके पटेटो हो गए, आपको अगर पटेटो पील करने हैं, कट करने हैं, तो आपको ब्राउन चॉपिंग बोर्ड यूज करना होगा। अगर आप बीट रूट, जिसको चुकंदर कहते हैं, अगर आप उसको कट करना चाहते हैं, तो आपको ब्राउन चॉपिंग बोर्ड यूज करना होगा। तो गाइज, ब्राउन चॉपिंग बोर्ड रूट वेजिटेबल्स के लिए होता है। इसके बाद अगर गाइज मैं बात करूँ येलो चॉपिंग बोर्ड की, तो येलो चॉपिंग बोर्ड गाइज यूज किया जाता है कुक्ड मीट या फिर कुक्ड चिकन के लिए। अगर आपको कुक्ड मीट या कुक्ड चिकन का यूज करना है, तो उसके लिए आपको येलो चॉपिंग बोर्ड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट गाइज मैं बात करूंगा ब्लू चॉपिंग बोर्ड की। ब्लू चॉपिंग बोर्ड गाइज, जैसे कि आपको पता होगा जो सी है, समुद्र है, उसका भी कलर ब्लू होता है। तो उससे आप याद कर रख सकते हैं जो समुद्री जो फूड होता है, लाइक जो सी फूड होता है या फिर फिश होता है, इसकी कटिंग के लिए गाइस ब्लू चॉपिंग बोर्ड यूज किया जाता है। और नेक्स्ट गाइस मैं बात करूंगा रेड चॉपिंग बोर्ड की। तो जो रेड चॉपिंग बोर्ड यूज किया जाता है, वो गाइस यूज किया जाता है रॉ मीट की कटिंग के लिए। रॉ मीट या फिर जो रॉ चिकन, अगर आपको डीबोन करना है, तो आपको उसके लिए रेड चॉपिंग बोर्ड यूज करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।